परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। नमस्कार, मैं हूं शालिनी मौर्य। एक्सपोज इंडिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। श्रीनगर के सीआरपीएफ कैंप पर आतंकवादियों की एक हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया। बताया जा रहा है कि करण नगर में दो आतंकी दिखे जो संतरी की फायरिंग के बाद वहां से फरार हो गए थे। आपको बता दें कि दो दिन पहले ही सुजवाना की आर्मी कैंप पर आतंकवादियों ने हमला किया था और सेना का यह ऑपरेशन करीब 30 घंटे तक चला था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान झूठी उम्मीद में जी रहा है कि वो जम्मू कश्मीर पर कब्जा करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख ने बताया, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। जम्मू कश्मीर के सुजवाना में आर्मी कैंप पर आतंकवादी हमले के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान आया है। बिहार के मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि सेना 6-7 महीने में तैयार होगी, जबकि देश को जरूरत पड़े तो उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक 3 दिन में तैयार हो जाएंगे। बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र में कुछ अज्ञात बदमाशों ने टीचर को गोली से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है, बदमाशों ने पहचान मिटाने के लिए टीचर का शव नहर में फेंक दिया था। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।